So, hey guys, what's up and welcome back to Mrityunjay Pandya. क्या हाल चाल? तो गाइस अभी अभी कुछ 3 से 4 घंटे पहले एक नोटिफिकेशन आ चुका है. आई होप आप सब लोगों को इन्फॉर्मेशन तो लगी गई होगी, लेकिन अगर नहीं मिली है गाइस तो आई होप इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी कुछ मदद करूंगा. गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात, जेई 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है हमें NTA की वेबसाइट और इस jeemain.nta.nic.in पर बने रहने की सलाह दे दी गई है. क्यों दे दी गई है? क्योंकि जो एक्सपेक्टेड डेट्स है वो आपको पता चल जाएगी. तो गाइस मतलब जेई मेन हो रहा है जिस टाइम पीरियड पर एक्सपेक्टेड था उसी टाइम पीरियड पर हो रहा है. कोई कोरोना कंडीशंस को यहाँ पर ध्यान में जिसको बोलना चाहिए रखा जा रहा है और उसी के लिए शायद कुछ चेंजेस किए. तो गाइस हम लोग बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, टाइम ना वेस्ट करते हुए, कि क्या होने वाला है. गाइस जेई मेन इस बार का जो 2020 वाले वो 4 साइकिल में होगा. 4 साइकिल का मतलब है जैसे अभी तक आप लोग जेई मेन 2 बार दे सकते थे, एक जनवरी और एक अप्रैल के स्लॉट में. इस बार ये एग्जाम 4 बार होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, यानी हर महीने ये एग्जाम होगा. इस बार एग्जाम को 12 अलग अलग भाषाओं में पेपर सेट करने के लिए बुला गया है. अगर फॉर एग्जाम्पल आप फरवरी वाले स्लॉट में बैठे हो तो आपका रिजल्ट बहुत से बहुत 4 से 5 दिन लगाकर तुरंत दे दिया जाएगा, ताकि अगर बच्चा चाहे तो वो नेक्स्ट मंथ के स्लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है. यहां पर गाइस क्योंकि आप लोगों को पता था कोरोना की वजह से हमारे CBSE ने और स्टेट बोर्ड्स ने ये बात बता दी थी कि हमें सिलेबस को 30% तक रिड्यूस करना है, तो NTA ने भी इसे माना है और ये अश्योरेंस दिया है कि हमारा जो इस साल का जेई मेन होने वाला है वो रिड्यूस्ड सिलेबस के साथ ही होगा. फॉर मोर इंफॉर्मेशन आप लोगों को jeemain.nta.nic.in पर जाने की मैं सलाह दूंगा. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर जितने भी वेबसाइट्स हैं उनके नोटिफिकेशन की लिंक, ये NTA की वेबसाइट की लिंक, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा. गाइस छोटी सी बात हम पैटर्न की भी कर लेते हैं. यहां पर ध्यान रखिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों सेक्शन में आपको 30 सवाल दिए जाएंगे, लेकिन पुराने पैटर्न की तरह यहां पर एक चेंज किया गया है. इन 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन जो कि सारे अटेम्प्ट करने हैं आप लोगों को, ये 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होंगे. अगर करेक्ट जवाब दोगे तो +4 मार्क मिलेगा, गलत लगाए आओगे तो -1, अनअटेम्प्टेड छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 0. अगर इसके अलावा आपको 10 ऐसे सवाल दिए जाएंगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड होंगे, यानी आपको उसके अंदर एक क्वेश्चन को न्यूमेरिकल बेस्ड, यानी आपको उसको पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना रहेगा. एंड 10 क्वेश्चन में से आपको कोई 5 अटेम्प्ट करने, यानी कि पूरे 10 नहीं करने, 10 में से 5 अटेम्प्ट करने. और इस सेक्शन की खासियत ये कि अगर सही जवाब दोगे तो +4, लेकिन अगर गलत जवाब भी दे दिया तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस सेक्शन में. तो कुल मिलाकर अगर आप फिजिक्स का पेपर देने बैठोगे तो फिजिक्स में आपको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 30 में से 20 आपके MCQs रहेंगे और 10 में से 5 आपको अटेम्प्ट करने. दैट मींस ओवरऑल आपको एक सेक्शन में 25 क्वेश्चन करने हैं, 30 दिए जाएंगे, अटेम्प्ट आपको 25 करने हैं. तो 25 यानी 25 फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के और 25 मैथ्स के, यानी कि ओवरऑल आप लोगों को 75 क्वेश्चन करने हैं. हर क्वेश्चन के लिए आपको +4 मार्क मिलेगा. तो गाइस ये पैटर्न रहेगा इस बार आपके जेई का. और कुछ एक्सपेक्टेड डेट्स मैं आपको बता दूं, वो बच्चे जो क्लास 12th में और जेई देना चाहते हैं गाइस, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कल से एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा. इस बार एप्लीकेशन का प्रोसेस भी बहुत सिंपल रखा गया है, बस इस वेबसाइट पर जाना है आपको, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपका फोटो, आपकी मार्कशीट वगैरह हर चीज आप इस वेबसाइट पर जाकर अपलोड कर सकते हो. और ऑनलाइन पेमेंट से आप घर बैठे जैसे हम लोग शॉपिंग करते हैं वैसे हम लोग इसका पेमेंट भी कर सकते हैं. लास्ट डेट फरवरी स्लॉट की 15 जनवरी रखी गई है या इसके आसपास रहेगी. फीस पेमेंट की लास्ट डेट 16 जनवरी रहेगी. अगर आप फॉर्म भरते वक्त कुछ गलती कर देते हो तो आपको 3 दिन का समय दिया जाएगा जिसमें आप करेक्शंस कर सकते हो.
फरवरी पहले वीक में आपको एडमिट कार्ड दे दिए जाएंगे और 22 से 25 फरवरी के बीच में ये एग्जाम होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो गाइस जाओ अभी वेबसाइट्स पर सर्च कर लो, मैंने आपको मेरी तरफ से सारी चीजें बता दी है, पैटर्न आप लोगों को बता दिया है, वेबसाइट बता दी है, टाइम बता दिया है। तो गाइस ये वीडियो आप लोगों को इनके नोटिफिकेशन को समझने में मदद करेगा, अब इनकी वेबसाइट एक बार जाकर विजिट कर लो एंड ऑल द बेस्ट। कवर कस लो, फरवरी ज्यादा दूर नहीं है, हार्डली 2 महीने का समय बचा है, तो ऑल द बेस्ट एंड ग्रेविटी सर्कल फैमिली आपके साथ हमेशा है इन योर प्रिपरेशन। तो ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।